हेलो वेलकम यू ऑल एट लुक इन अनलिमिटेड स्टडी जोन एंड क्लास स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर स्पेशली हम अभी फोकस कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय सेलेक्शन के वी एस uh, टेस्ट को जो कि बहुत ही शीघ्रता से एग्ज़ाम जिसके होने वाले हैं तो दोस्तों आइए आज का टॉपिक है हमारा वैक्टर तो आज का क्या है टॉपिक हमारा आज हम स्टडी करने वाले हैं वैक्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो हेडिंग बना लीजिए कॉपी में सभी लोग वेक्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली आज की जो टॉपिक है वो KVS, NVS और, <coughs> के वी एस एन वी एस और एन डी ए के पार्टिसिपेंट्स एंड बाकी जो एग्जामिनेशन होते हैं टेट के एम पी टेट यू पी टेट छत्तीसगढ़ टेट उन सबके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी मैं लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन से आपका स्वागत करता हूँ तो आइए लेक्चर की स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है इफ इफ्लैमडा थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस सिक्स के कैप इज़ ए यूनिट वैक्टर दैन द वैल्यू ऑफ लैमडा सो सो सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा ये आपको कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर दिया गया यहाँ पर और देखिए इसकी वैल्यू दी गई है आपको ये वेक्टर की वैल्यू दी गई है एंड इट इज़ ए यूनिट वैक्टर सो सो सिंपल अगर आपके पास कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो क्या करते हैं कि उसका मॉडल्स इक्वल्स टू कितना होता है उसका मॉडल्स इक्वल्स टू हुआ करता है वन ओके okay? सो so, किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मॉडलस हुआ करता है क्या हुआ करता है वन हुआ करता है तो ये हमारे पास एक कंप्लीट यूनिट वेक्टर है ओके okay? सो so, आपके पास क्योंकि इतने पार्ट का मैग्नीट्यूड मॉडलस कितना आया है सेवन आया है सो डेफिनेटली लेमडा को कितना होना चाहिए प्लस माइनस वन अपॉन सेवन तो याद रखिएगा प्लस माइनस का ध्यान यहाँ रखिएगा ये कि क्योंकि आपके पास अगर लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस वन बा वन बाई सेवन है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा ओके okay, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए आपके पास कहा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या देखिए <coughs> कि इफ लेमडा मल्टीप्लाई बाई थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस माइनस सिक्स के कैप इज यूनिट वैक्टर तो आप एज अ होल इसको कंप्लीटली इसको यूनिट वैक्टर आप कह सकते हैं मतलब लैमडा टाइम्स ऑफ थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस सिक्स के कैप का मॉड टोटल मॉड इक्वल्स टू कितना वन होगा टोटल मॉड इक्वल्स टू वन सो लेमडा ओके अंडर रूड थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन टू का स्क्वायर फोर एंड प्लस थर्टी सिक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वन सो लेमडा इज इक्वल्स टू देखिए थर्टी सिक्स प्लस थर्टीन ये हो गया अंडर रूड फोटी नाइन इक्वल्स टू वन सो लेमडा इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट सेवन वो भी प्लस एंड माइनस सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा ए होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट्स दीज एंड दीज आर द वर्टाइसिस ऑफ अ ट्रायंगल विच आपके पास तीन वेटाइसिस दिए गए हैं और तीन वर्टाइसिस के ये तीन जो है किसी है, हैं किसी ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं वर्टाइसिस हैं आपको बोला गया है कि बताइए ये किसके वर्टाइसिस होंगे तो सो so सिंपल आपको तीनों डिस्टेंस फाइंड करनी है तीनों डिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिए ए बी बी सी एंड सी ए एंड मॉडुलस इज रूट फोर्टी वन रूट सिक्स एंड रूट थर्टी फाइव एंड बाई द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द सम ऑफ द distance of uh, square of the distance of one side is equals to the sum of the two so the angle is a right angle triangle but which angle is a right angle triangle as root 41 is the biggest side so 41 is equals to 6 plus 35 we can write this so 41 is what 41 equals to a b square equals to bc square plus ac square and the common part here c so angle c equals to 90 degree angle c equals to how much

आपको कैसा दिखाई देगा ये ट्रिपेजियम बिकॉज ये पैलेलोग्राम में ऑपोजिट साइड सारी इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल हुआ करती हैं ओके एंड दो कर, दो साइड्स का जो एंगल होता है नाइन्टी डिग्री होता है स्क्वायर में चारों साइड्स की मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ करती है <coughs> तो ये जो है आपके पास ये ट्रिपेजियम बनेगा बिकॉज दो साइड इसमें दो साइड पैरेलल हुआ करती हैं एंड दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं तो यदि आप देखें यहाँ पे पैरेलल और नॉन पैरेलल का कॉम्बिनेशन तो आपको ढूंढना पड़ेगा मिल जाएगा सो वो आपके पास में क्या बन जाएगा ट्रिपीजियम बन जाएगा इस चीज़ का आंसर ट्रिपीजियम है द एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए द फिगर फॉर्म्ड बाय द फोर पॉइंट वन आई जे के कैप अब एक चीज देखिए इसको करने का एक तो और तरीका मेरे पास में है आप इसको देख करके इसका कोरोस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल बना लीजिए आप इसका करस्पॉन्डिंग जो है रेक्टेंगल यदि आप बनाना चाहें तो आप इसका रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं कहूँगा मैं इसको आप क्वारिलेटरल uh, इसका बना लीजिए तो उससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी तो आइए इसका मैं क्वारिलेटरल बनाता हूँ तो ये देखिए एक आपके पास पॉइंट क्या है वन 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 सो वन पॉइंट इज़ वन 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 ओके एंड सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है टू थ्री टू थ्री सो सेकेंड पॉइंट आपके पास बन जाएगा टू थ्री जीरो थर्ड पॉइंट आपके पास वो बन जाएगा ए हो गया ये ये हो गया बी ये ले लीजिए सी पॉइंट जो है आपके पास में कितना है टू थ्री जीरो हो चुका है देन थ्री फाइव माइनस टू थ्री फाइव माइनस टू और डी जो आपके पास पॉइंट है वो कौन सा है डी पॉइंट आपके पास में है वन कॉमा माइनस वन ओके सॉरी सॉरी गलत लिखा मैंने यहाँ पे सही करता हूँ इसको ओके okay. तो डी पॉइंट यदि मैं देखूंगा तो देखिए के माइनस जे है ओके सो कितना बन जाएगा देखिए यहाँ पे ये यह बन जाएगा ज़ीरो आई तो है नहीं तो जीरो हो जाएगा और माइनस जे मतलब माइनस वन और के की जगह कितना हो जाएगा प्लस वन तो ज़ीरो माइनस वन प्लस वन ये आपके पास पॉइंट हो गया है अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं एक तो डिस्टेंस वाला फॉर्म है और अब देखिए पैरलिटी की बात है जितने भी यहाँ पे पैरेलोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी होते हैं ये पैरेलल हुआ करते हैं ना तो हम देखते हैं कि क्या दो पेयर पैरेलल बन रहे हैं अगर दो पेयर पैरेलल बन जाएंगे तो पैललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ तो होगा नहीं तो ट्रिपेजियम सबसे पहले हमें पता चल जाएगा तो चलिए हम इसके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं चारों के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं तो टू माइनस वन वन थ्री माइनस वन टू एंड जीरो जीरो माइनस वन इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस वन अब इसके यदि हम डायरेक्शन रेशियो निकालो तो थ्री माइनस ज़ीरो ज़ीरो फाइव प्लस वन हो जाएगा सिक्स एंड माइनस टू माइनस वन हो जाएगा कितना माइनस का थ्री अब यदि आप देखिए रेशो करते हैं तो वन रेशो थ्री वन रेशो थ्री वन रेशो थ्री आ रहा है मतलब कि ये दोनों साइडें पैरेलल हैं एक लॉजिक तो मिल गया ए बी पैरल टू डी सी ए बी पैरल टू डी सी वही वाई बिकॉज ये दोनों जो है ना डायरेक्शन रीश्यूज़ ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू टू सी वन अपॉन सी टू दिख गया तो ये दोनों तो पैरल हो गई अब इन दोनों को पैरल देखोगे यदि आप तो इनके लिए देखो एक्स टू माइनस मतलब डायरेक्शन रीश्यूज़ निकालो इसके तो जीरो माइनस वन कितना हो गया माइनस वन देन माइनस वन माइनस वन हो गया माइनस टू और वन माइनस वन कितना हो गया जीरो हो गया अब इसके डायरेक्शन निकालो तो थ्री माइनस टू हो गया वन फाइव माइनस थ्री हो गया कितना टू और टू माइनस टू माइनस जीरो हो गया कितना माइनस टू अब देखता हूँ मैं कि क्या ये प, ए, क्या ये पैर पैरको मतलब प्रोपोर्शनल है तो देखिए ध्यान से देखिए ये कहीं प्रोपोर्शनल नहीं है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू का फॉर्मेट नहीं लग रहा मतलब यकीनन क्या होगा ये ट्रिपेजियम ही होगा करेक्ट आंसर इसका कितना है थ्री है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन भाई इफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए देखो आपके पास ए भी दिया गया है और ए सी दिया गया है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास ए बी है और ए सी है तो ए बी है और ए सी दिया गया तो A वेक्टर वेक्ट, वेक्टर है तो ए को पोजिशन वैक्टर मानते हुए बी और सी के वैक्ट वैक्टर आपको दिए गए हैं आपको मीडियन की लेंथ निकालने तो सबसे पहले क्या करोगे ए इसका और इसका मिड पॉइंट का वैक्टर फाइंड कर लो आप ए बी और सी का जो कि बनेगा आपके पास में बी और सी का जो वैक्टर बनेगा ना आपके पास में वो बनेगा कितना ए बी प्लस ए सी अपॉइंट टू क्योंकि ये ए बी है और ये अपने पास में कितना है ए सी है तो ए बी प्लस ए सी अपॉइंट टू यहाँ पर देखिए ए बी प्लस ए सी अपॉन टू वेट 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 यहाँ पे कुछ बाई अप्लाइंग द ट्रैंगल ऑन द वैक्टर सम आपको बी एम निकालना है ना आपको देन द लेंथ ऑफ द मीडियम थ्रू ए बोला गया है तो ए निकालने के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करने की क्या जरूरत है भाई चलिए मैं तो देखता हूँ शॉर्टकट तरीके से यदि मैं इसको देखूँ तो कैसे बनाऊंगा देखिए आपके पास में ए बी जो है थ्री आई कैप प्लस फोर के कैप है मतलब ए के रिस्पेक्ट में अगर ए के रिस्पेक्ट में आप देखें ए के रिस्पेक्ट में अगर ए को आप ओरिजिन मान लो जीरो 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 तो ए के रिस्पेक्ट में बी के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं थ्री कॉमा जीरो कॉमा फोर और ए के रिस्पेक्ट में सी के कोऑर्डिनेट कितने बन रहे हैं फाइव कॉमा माइनस टू कॉमा फोर तो मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूँ मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूँ थ्री प्लस फाइव कितना हो गया एट अपॉन टू यानी कि फोर थ्री प्लस फाइव यानी एट अपॉन टू यानी कि फोर जीरो माइनस टू यानी कि कितना हो जाएगा वन और फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा एट अपॉन टू यानी कि फोर अब यहाँ से यदि यह आप इसमें परपेंडिकुलर डाल के इसके डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा देखिए अंडर उड फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और प्लस कितना हो जाएगा 16 एंड प्लस वन सो सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन हो गया 32 टू प्लस वन इक्वल्स टू कितना हो गया अंडर उड थर्टी तो कितना कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जैसे यहाँ पे कुछ किया गया आई डोंट नो क्या कर रखा है यहाँ पे सोल्यूशन में ऑन एप्लाइंग द ट्रेंगल लॉ इसने सबसे पहले बी सी निकाल लिया है फिर बी सी निकालने के बाद इसने बी um, एम कर दिया है एक्चुअली बी एम हाफ है तो भाई बी एम निकालने की जरूरत ही नहीं है कोई ऐसा देन इसके बाद इसने इसमें ट्रायंगल ऑ लगाया तो आपका ए एम आ गया है तो हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं हम ए को हम ए को जो है वो मान करके सेंटर मान करके भी हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे एक सेकंड भाई क्या हो रहा है वेट 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 चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द फोर पॉइंट चार पॉइंट दिए गए हैं आपको ये 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 मतलब ए बी सी डी तो ए बी और सी डी के बारे में क्या कहेंगे आपकी ए बी सी डी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप ए बी बना लीजिए और सी डी बना लीजिए देखिए ए बी और सी डी बनाने पर इनके कॉमन रेशियो जो आ रहे हैं इनके डायरेक्शन रेशियो वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में क्या है पैरेलल है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ए बी आपने निकाल लिया सी डी आपने निकाल लिया और वैसे दिख रहा है कि सी डी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी तो वैसे तो ये होंगे एंटी पैरेलल बट पैरेलल ही कहलाता है क्योंकि एंटी पैरेलल भी पैरलिटी का एक केस होता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन थ्री नॉन जीनो कोलिनियर वैक्टर ए बी सी आर सच दैट ए प्लस थ्री बी इज कोलिनियर विद सी और थ्री प्लस टू सी इज कोलिनियर विद ए देन ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी की वैल्यू क्या होगी देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है कि ए प्लस थ्री बी जो है कोलिनियर है किसके साथ में सी के साथ मतलब ए प्लस थ्री बी जो है वो सी का कुछ गुना होगा ओके ए प्लस थ्री बी इज कोलिनियर विद सी इसकोलिनियर विद सी एंड थ्री बी प्लस टू सी इज कोलिनियर विद ए तो ए प्लस थ्री बी जो है वो किसके साथ कोलिनियर है वो पैरेलल है सी के साथ और दूसरा जो थ्री बी प्लस टू सी वैक्टर है वो किसके साथ है ए के साथ पैरल है तो आपको ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी की वैल्यू बतानी है चलिए तो आइए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है कि गिवन ए प्लस थ्री बी इज कोलिनियर विद सी जो ए प्लस थ्री बी है वो कोलिनियर किसके साथ है सी के साथ सो मैं लिख सकता हूँ क्या ए प्लस थ्री बी इक्वल टू लेमडा वैक्टर सी ए प्लस थ्री बी कोलिनियर है सी के साथ तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस थ्री बी इक्वल टू वैक्टर सी सो ए प्लस थ्री बी माइनस सी इक्वल टू जीरो एक बात हो गई दूसरा है थ्री प्लस टू बी टू सी किसके साथ कोलिनियर है ए के साथ कोलिनियर विद ए तो मैं लिख सकता हूँ थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू म्यू ए सो थ्री बी प्लस टू सी माइनस म्यू वैक्टर जीरो, थ्री बी प्लस टू माइनस म्यू एक्स टू थ्री बी प्लस इक्वालिटी का करता है के कि जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट right साइड के इक्वल हुआ करता है okay, so A <coughs> एक तो कितना हो जाएगा माइनस म्यू फिलहाल हमको यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमको ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी हमारे पास होगा क्या तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्या होगा चलिए तो ए प्लस थ्री बी माइनस लेमडस इक्वल टू थ्री बी प्लस टू सी माइनस म्यू है तो यहाँ पर ही वेक्टर ए है यहाँ पर ही वेक्टर माइनस म्यू है मतलब माइनस म्यू ए इक्वल टू ए मीन्स इट मीन्स म्यू इक्वल टू माइनस वन पहली चीज तो यही आ गई देखिए यहाँ पे भी माइनस थ्री यहाँ पे माइनस थ्री भी है ओके okay, और यहाँ पे क्या है प्लस थ्री भी एक मिनट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे माइनस थ्री भी है प्लस थ्री भी है तो इस तरह का कंपैरिजन तो अपने पास चलने वाला है नहीं ठीक है ना तो हमको क्या करना पड़ेगा देखिए इस सबसे पहले दो टर्न इक्वल तो होने चाहिए तो हमको यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब इसके आगे ये कुछ सॉल्व होगा नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा ओके okay? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको किसका माइनस साइन का तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हुए बन जाएगा माइनस का ए प्लस का थ्री बी और प्लस का लैमडा वेक्टर सी इक्वल टू ये हो जाएगा देखिए प्लस का थ्री बी तो है ही है एक मिनट यानी मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना वो तो <coughs> देखिए बिल्कुल यहाँ पे गलती हो गई हमसे हमने यहाँ पे देखा नहीं अच्छे से शायद इस वजह से गलती हो गई हमारे पास यहाँ पे भी थ्री भी है और यहाँ पे भी थ्री भी है तो कोई मल्टीप्लाई करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली उसके ऊपर मैंने इंक मार्क कर दी थी जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया मेरे को तो सीधे सीधे मैं कंपेयर करता हूँ देखिए ए है और ये क्या है माइनस म्यू वैक्टरी मतलब म्यू इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस वन देन थ्री बी से थ्री बी तो कंपेयर हो ही चुका है अब माइनस लेमडा सी इज इक्वल टू कितना हो गया टू सी मतलब लैमडा इक्वल टू कितना माइनस टू लैमडा इक्वल टू कितना माइनस टू अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए है ए प्लस थ्री बी माइनस लेमडा सी सो ए प्लस थ्री बी और लैमडा की वैल्यू कितनी आई है माइनस टू तो माइनस माइनस कितना प्लस टू सी सो ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है ज़ीरो आ रही है और इन्होंने हमसे पूछी भी वैल्यू है ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी की वैल्यू तो थोड़ा सा बस आपको घुमाने फिराने की ये क्वेश्चन कोशिश कर रहा बाकी है तो सिंपल तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने पर ही कंक्लूड करते हैं हमारे वेक्टर की प्रैक्टिस को कल हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे तो आपके आज आगे दीजिए जय हिंद जय भारत नमस्कार